हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू वाईटी एडवाइस। दोस्तों, अगर आप अपने यूट्यूब के व्यूज, सब्सक्राइबर्स, रेवेन्यू बढ़ाना चाहते हैं और यूट्यूब पर अच्छे से और इजीली वे में काम करना चाहते हैं, तो यूट्यूब के सीक्रेट टिप्स और ट्रिक्स के लिए इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि इसमें मैं आपको 5 टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जो आपके यूट्यूब के अंदर आपकी बहुत हेल्प करेंगे। और आप में आपने इसमें से कुछ ट्रिक्स देखे हो सकते हैं, लेकिन आई एम श्योर कि आपको पांचों के पांचों नहीं पता होंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, टिप्स एंड ट्रिक्स में सबसे पहले नंबर पर है कि आप अपने ये YouTube की वीडियो के टैग्स हैं उनकी रैंकिंग्स को इंस्टेंटली चेक कर सकते हैं TubeBuddy के साथ। अब दोस्तों, आपको एक चीज पता होगी कि टैग्स लगाना वीडियो में कितना इंपॉर्टेंट है, और उन टैग्स के अकॉर्डिंगली आपको रैंकिंग मिलती है आपकी वीडियोस को, और जब लोग सर्च करते हैं तो उसी रैंकिंग के अकॉर्डिंग आपकी वीडियो सर्च रिजल्ट्स में आती है। तो जो लोग कहते हैं कि उनकी वीडियोस सर्च में नहीं आती, जब लोग सर्च करते हैं तो उनकी वीडियो को सर्च नहीं होता, रैंक अच्छा नहीं मिलता, तो उनके लिए ये टिप काम में आएगी। देखिए, अगर आपके पास TubeBuddy सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है, TubeBuddy एक एक्सटेंशन है ब्राउजर की, आप गूगल पर सर्च कीजिए TubeBuddy, TubeBuddy, इसे अपने एक्सटेंशन में एक्सटेंशन बनाकर इंस्टॉल करना है, क्रोम या जो भी आपके पास मोजिला फायरफॉक्स है। अब देखिए, जब भी आप कभी अपनी वीडियोस में एडिट पर क्लिक करेंगे, तो मैंने इस वीडियो के एडिट पर क्लिक किया, इसके नीचे जाने पर आप अपने टैग्स देखिए जो आपने टैग्स लगाए थे। देखिए, यहां पर जो ग्रीन कलर में आपको दिखाएगा वो चीज है कि आपको इस पर्टिकुलर जो लिखा हुआ है, ये जब लिखा हुआ टैग लोग सर्च करेंगे YouTube पर, तो आपको क्या रैंक मिल रहा है। देखिए, हाउ टू रैंक YouTube वीडियोस, अगर कोई लिखेगा YouTube के ऊपर, तो देखना कि वहां पर सबसे पहले नंबर पर हमारी ये वाली वीडियो आएगी YT एडवाइस की। इसी तरह से आप ये कंफर्म कर पाएंगे कि हाँ, आपके लिए ये टैग अच्छा वर्क करेगा आपके चैनल के लिए। तो अब अगर आप ऐसी 2-3 और वीडियोस बनाएंगे, हाउ टू रैंक यूट्यूब वीडियोस, इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर अगर 2-3 और वीडियोस बनाई जाएं, तो आपकी वीडियोस श्योर है कि उनको मैक्सिमम व्यूज, जितने आपके चैनल को आते हैं उसमें से बहुत से व्यूज आपके उन वीडियोस को मिलेंगे। कभी क्या होता है कि हम वीडियो बनाते हैं, बनाने के बाद वीडियो को व्यू मिले और हमने सेकंड, थर्ड, 10 और वीडियोस बनाई, उनको व्यूज नहीं मिले। रीजन ये होता है कि आपके जो आपको जो रैंकिंग मिली थी जिस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, आप उससे हटकर कुछ बनाते हैं तो गूगल दोबारा से रैंक करेगा, यूट्यूब दोबारा से रैंक करेगा उस चीज को। तो इस तरह से आपको मैं और दिखाता हूं, मेरी जैसे ये वीडियो है, इसके अंदर देखिए 99599, तो इन पर्टिकुलर वर्ड्स को अगर यहाँ पे यूट्यूब पे सर्च किया जाए तो मेरी वीडियो किस नंबर पर आएगी। और सेम यूएसए ट्रैफिक के केस में 3974, अगर आप लिखोगे कि हाउ टू यूज कीवर्ड प्लानर फॉर यूट्यूब, ये लिखते हो तो मेरी वीडियो 4th नंबर पर आपको दिखेगी, ये वाली। और अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस की बात करें, तो अगर आप लिखोगे कि हाउ टू स्टार्ट ई कॉमर्स बिजनेस इन इंडिया, तो दूसरे नंबर पर हमारी ये वीडियो आएगी। तो इससे आपको पता चल सकता है कि आप जिस टॉपिक के ऊपर काम कर रहे हैं या कर चुके हैं, वो टॉपिक आपको किस तरह से आपके रैंक हो रखे हैं। हाँ, वैसे आप जनरली अपने सिंगल सिंगल टैग को यूट्यूब में लिखकर फिर वहां पे ढूंढोगे कि यार, अगर आपने लिखा कि हाउ टू स्टार्ट ई-कॉमर्स बिजनेस, फिर आप ढूंढोगे कि अच्छा कौन से नंबर पर आ रही है, तो वो एक थोड़ा सा डिफरेंट और थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है और वो हार्ड वर्क है। तो दिस इज अ स्मार्ट वर्क जो आप TubeBuddy के साथ कर सकते हैं, कि आप TubeBuddy इंस्टॉल कीजिए और अपनी जितनी वीडियोस आपने यहाँ अपलोड कर रखी हैं उनके एडिट में जाकर आप ये चेक कीजिए कि आपको रैंकिंग मिल रही है या नहीं मिल रही। अगर तो आपको रैंकिंग नहीं मिल रही, तो आप उन टैग्स को यूज़ करना बंद कर दीजिए जिन टैग्स के लिए आपकी वीडियोस रैंक नहीं होती। अब जिन टैग्स के लिए आपकी वीडियोस रैंक होती हैं, उन टैग्स के ऊपर, उन टैग्स को लेकर वैसी वीडियोस बनाइए। अगर ई कॉमर्स में मुझे सेकंड नंबर, थर्ड नंबर ऐसा मिल रहा है, दैट मींस कि ई कॉमर्स का टॉपिक मेरे लिए अच्छा है। अगर मैं ई कॉमर्स के ऊपर काम करूंगा फर्दर, तो मुझे अच्छा रैंक मिलने वाला है और मेरा चैनल अच्छा चलेगा। तो ये जो पहली टिप है, या इसको ट्रिक भी समझ लीजिए, क्योंकि TubeBuddy से आप एकदम से सब कुछ देख सकते हैं, सारे टैग्स के आपके रैंकिंग्स को चेक कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी ट्रिक है जिसको आप अपनी यूट्यूब चैनल को ग्रो करने के लिए लगा सकते हैं, और फर्दर अगर आपके व्यूज अच्छे होंगे, सब्सक्राइबर्स भी अच्छे होंगे इससे, और आपको रेवेन्यू अच्छा होगा।
तो ये पहली टिप है जो आपको ध्यान में रखनी है और इसको जरूर अपने YouTube चैनल के ऊपर अप्लाई करना है। ओके, तो फर्स्ट टिप थी अपने YouTube के व्यूज बढ़ाने के लिए। अब सेकंड टिप है अपने YouTube के सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए। दोस्तों एक चीज प्लीज आप ध्यान में रखिए कि अगर आप सब फॉर सब करते हैं या किसी भी तरीके से अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ाते हैं तो आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, क्योंकि बेनिफिट सब्सक्राइबर्स का तभी होगा जब वो आपके एक्टिव सब्सक्राइबर्स होंगे। हाँ, अगर आप उस तरह से सब्सक्राइबर्स बढ़ाते हैं तो आपको एक प्ले बटन जरूर मिल जाएगा, जो कि मुझे नहीं लगता कि इतना हेल्पफुल है आपके लिए। ज़्यादा हेल्पफुल है कि आपको उससे ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग होनी चाहिए। तो सेकंड टिप और ट्रिक है कि आपका टेबल ऑफ कंटेंट्स, अगर आप लंबी वीडियोस बनाते हैं तो आप उसके अंदर टाइमिंग सेट कर सकते हैं कि जब बंदा टाइम पे क्लिक करे तो आपकी वीडियो वहां तक स्किप हो जाए। लेट मी शो यू कि वो क्या चीज है, फिर हम उसके बारे में बात करेंगे। जैसे मेरी एक वीडियो है, ये है हाउ टू सेलेक्ट अ प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट टू सेल ऑनलाइन। अब इसके अंदर मैंने 5 टिप्स बताई हैं। अब वो 5 टिप्स आपको ढूंढनी पड़ेंगी यहां पर मैंने कहां पर बताई हैं, क्योंकि 10 मिनट की वीडियो है। लेकिन देखिए, मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर जैसे यहां पर टेबल ऑफ कंटेंट लिखा है कि 58 सेकंड्स के ऊपर एक टिप है, फिर सेकंड टिप, थर्ड टिप, फोर्थ टिप, फिफ्थ टिप। और देखिए यहां पर अगर आप उसको होवर करेंगे माउस को तो आपको एक लिंक दिख रहा है। अब जैसे मैंने 4.05 पे क्लिक किया तो देखिए मेरी वीडियो एकदम से वहां पर आ गई टिप नंबर 4 के ऊपर। तो देखिए, दिस इज कॉल्ड अ टेबल ऑफ कंटेंट। आपने अपनी बुक्स में भी देखा होगा कि बुक्स के स्टार्टिंग में एक इंडेक्स पेज होता है, तो ये एक तरह का आपका इंडेक्स है। तो यूट्यूब आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि आप अपना इंडेक्स टेबल ऑफ कंटेंट बना सकते हैं अपनी लंबी वीडियोस, किसी भी वीडियो के लिए बना सकते हैं, पर बेटर रहता है लंबी वीडियोस के लिए। अगर आप कुछ ऐसे सेमिनार्स दे रहे हैं जिसमें आप आधा घंटा या एक घंटे का एक वीडियो बना रहे हैं तो लोग इरिटेट होते हैं आपकी पूरी वीडियो देखते, मे बी उनको कुछ एक पार्ट देखना हो सकता है। तो आप टीओसी बना सकते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट। इससे क्या होगा, आपके सब्सक्राइबर्स आपके तरफ ज्यादा अटेंशन लेंगे और वो सोचेंगे कि हाँ, इस चैनल के ऊपर यूजर परस्पेक्टिव से बहुत ध्यान दिया जाता है। क्योंकि अच्छे से टीओसी दिया होगा तो लोगों को लगेगा कि हाँ यार, कुछ सिंसियरिटी है इस चैनल के अंदर। तो ये टीओसी बनाना कैसे है, आप जब भी यूट्यूब में कुछ भी अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर जब लिखते हैं तो आपको सिंपली लिखना है, जैसे आपने यहां पे लिख दिया 0:58, 1:21। 1:21 को जब आप सेव करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो समझ लेगा कि ये एक टाइम है। तो ये ट्रिक है, क्योंकि इसके बारे में जनरली हमें नहीं पता होता कि YouTube में ये फीचर भी है, इंटरेस्टिंग फीचर है, और अपने सब्सक्राइबर्स को एक अच्छा एक्सपीरियंस देने के लिए और सब्सक्राइबर्स की एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए आप टेबल ऑफ कंटेंट यूज कर सकते हैं। अब चलते हैं थर्ड टिप एंड ट्रिक की ओर। ये ट्रिक YouTube के अंदर कम लोगों को पता है कि अगर आप अपनी 10 मिनट से ऊपर की वीडियो बनाते हैं तो यू हैव एबिलिटी कि आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कितने एडवर्टाइजमेंट एक वीडियो में शो करने हैं। ये जो टिप्स एंड ट्रिक, ये जो थर्ड वाली है, ये आपके रेवेन्यू के लिए है। अब बहुत से लोग कहते हैं कि उनको पैसे कम मिलते हैं, उनके यहां एड्स शो नहीं होती, तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी वीडियो 10 मिनट से ऊपर की बनाइए। अगर आप यहां पर 10 मिनट के ऊपर की वीडियो बनाते हैं तो आपको एक एड्स बार दिखेगा। दिखाता हूं कहां पर, जब आप वीडियोस में वीडियो मैनेजर में अपनी वीडियो को एडिट करेंगे, मोनेटाइजेशन में आपको नीचे देखिए यहां पर जाना है। ये मेरी वीडियो 10 मिनट एंड 25 सेकंड्स की है। अगर आपकी वीडियो 10 मिनट से कम है तो ये बार आपको नहीं दिखने वाला। देखिए, तो ये एक बार है, दिस इज कॉल्ड एड ब्रेक्स। तो आप खुद से सेलेक्ट कर सकते हैं कि बिफोर वीडियो, वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक एडवर्टाइजमेंट आएगी। अब मैं चाहता हूं कि जब मेरी वीडियो 2 मिनट की हो जाए तो इंसर्ट एड, एक एड आए। जब मेरी वीडियो थोड़ी और निकल जाए 4 मिनट की तो एक एड आए। आफ्टर वीडियो, वीडियो के एंड में भी एक एड आए। अब मैंने यहां पर 4 एडवर्टाइजमेंट्स लगा दी हैं, दैट मींस की 4 times रेवेन्यू। तो ये एक ट्रिक है जिसको आप यूज कर सकते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी बनाइए, 10 मिनट के ऊपर की बनाइए और एक एड बार आपको शो होगा। लेकिन अगर आपकी वीडियो 10 मिनट से कम की है तो देखिए आपको एड बार नहीं आएगा। मैं आपको दिखा देता हूं एक बार, आपको वीडियोस में कुछ ऐसी वीडियो सेलेक्ट करते हैं जो 10 मिनट से
कम की है। जैसे कि ये वीडियो, अगर मैं अब इसको एडिट करता हूं, उसके बाद मैं मोनेटाइजेशन में जाऊंगा। देखिए मोनेटाइजेशन में जाने के बाद आपको यहां पे कोई एड्स बार नहीं दिख रहा, तो ये ट्रिक आप यूज कर सकते हैं अगर आपको अपने रेवेन्यू को इंक्रीज करना है। लेकिन अगर आपके चैनल की रेपुटेशन अच्छी नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि अगर आपने ये 4 या 5 एड्स लगाई हैं तो वो श्योरली शो होंगी ही होंगी। लेकिन हाँ, रेपुटेशन अच्छी है तो ये ट्रिक आपको बेनिफिट दे सकती है। फिर भी ट्राई करने में क्या जाता है, एक बार आप इस ट्रिक को लगाकर देखिए कि ये आपको किस तरह से बेनिफिट देती है। और अगर रियली में बेनिफिट दे तो प्लीज आप नीचे कॉमेंट बॉक्सेस में लिखना मत भूलिएगा। तो चलिए आप चलते हैं फोर्थ ट्रिक की ओर। ओके, तो फोर्थ ट्रिक जो है वो आपके यूट्यूब के एक सिर दर्द को सॉल्व करेगी जब आप अपनी वीडियो को अपलोड करते हैं। वो दिखाता हूं कैसे। जब भी आप कभी वीडियो को अपलोड करेंगे तो अपलोडिंग के टाइम पर आपको उसके अंदर टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग्स लिखने होते हैं। और आपको ये नहीं पता होता कि कितना लंबा टाइटल होना चाहिए, कब आपको यूट्यूब कहेगा कि आपका टाइटल लंबा है, आपकी डिस्क्रिप्शन ज्यादा है, या आपके टैग्स आर, योर टैग्स आर टू लॉन्ग, ऐसा लिखा आता है ना आपको। तो वो चीज को रिजॉल्व कैसे करना है मैं दिखाता हूं। देखिए, जब मैंने अपनी इस वीडियो को अपलोड के लिए किया तो आपके केस में ये चीज नहीं आएगी। ये देखिए, मेरे केस में यहां पर लिखा है कि आपने 16 वर्ड्स लिख दिए हैं, टोटल 100 वर्ड्स लिख सकते हैं। तो ये हुआ कैसे, अगर आप अपने यूट्यूब में इसमें एक्सटेंशन इंस्टॉल करेंगे ट्यूब बडी का अपने ब्राउजर में, तो आपको आपके टाइटल के साथ 100 लिखा है, क्योंकि YouTube आपको अलाउ करता है कि आप 100 वर्ड्स का टाइटल लिख सकते हैं। ये देखिए, ऐसे ऐसे जाते जाएंगे तो आपको ट्यूब बडी से ये कंफर्म होता रहेगा कि आपका टोटल कितने वर्ड्स हो चुके हैं, ताकि आप जो अपना टाइटल लिखना है उसको थोड़ा सोच समझकर लिख सकें। नहीं तो जनरली क्या होता है कि हम टाइटल थोड़ा छोटा करते हैं और उसको फिर डिलीट मारते हैं टाइटल को, और छोटा करने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर आपको पता चलता रहेगा कि कितने वर्ड्स हो चुके हैं। सेम इन केस ऑफ डिस्क्रिप्शन, 5000 वर्ड्स की डिस्क्रिप्शन हो सकती है। वर्ड्स का मतलब अगर मैं यू की बात करूं, वाई ओ यू, तो वाई ओ यू 3 वर्ड्स हो गए हैं। तो इस तरह से 5000 वर्ड्स, टाइटल के लिए 100 वर्ड्स, और सेम इन केस ऑफ टैग्स, टैग्स के केस में 500 वर्ड्स। अगर मैंने लिखा हाय, और हाय लिखने के बाद अब यहां पे आ गया कि मैं 2 वर्ड्स यूज कर चुका हूं। तो इस तरह से आपके जो वर्ड्स हैं वो इसमें लिखे आ जाएंगे कि कितने वर्ड्स हैं। तो जनरली क्या होता है, बड़ा डिफिकल्ट सा लगता है यार कि कितने टैग्स होने चाहिए। हम टैग्स लगा देते हैं, फिर हम सोचते हैं नहीं यार टैग्स तो ज्यादा लगा दिए, यूट्यूब शो कर रहा है कि योर टैग्स आर टू लॉन्ग, अब कौन सा टैग काटें कौन सा रखें। तो यहाँ पे आपको रियली में सामने ही पता चलता रहेगा कि आपके कितने टैग्स आप और लगा सकते हैं, कितने वर्ड्स और बचे हुए हैं। तो ये ट्रिक बड़ी अच्छी है, आप ट्यूब बडी इंस्टॉल कीजिए और उसमें इस चीज को यूज कीजिए। अब फिफ्थ ट्रिक में होगा एक मैजिक। जब भी आप वीडियो को अपलोड करेंगे यूट्यूब के ऊपर, तो देखिए मेरे केस में क्या होता है, ये किया मैंने वीडियो को अपलोड एंड सी, यहां पर टाइटल में लिखा है यूट्यूब ट्यूटोरियल, यहां लिखा है लर्न द बेसिक्स टू एडवांस लेवल, डिस्क्रिप्शन अपने आप, टैग्स अपने आप। दोस्तों इस फीचर का नाम है अपलोड डिफॉल्ट्स। डिफॉल्ट्स का मतलब डिफॉल्ट सेटिंग क्या रखनी है जब भी कभी आपकी यूट्यूब की वीडियो अपलोड होती है। तो आपको आपके चैनल के अंदर यहां चैनल ऑप्शन में जाना है और यहां पर आप जाएंगे अपलोड डिफॉल्ट्स, यहां लिखा है अपलोड डिफॉल्ट्स। का बेनिफिट है कि सपोज जैसे मेरा चैनल यूट्यूब के ऊपर है, मैक्सिमम इसमें यूट्यूब ट्यूटोरियल्स हैं, तो कुछ ऐसे टैग्स हैं या कुछ ऐसी डिस्क्रिप्शन है जो कि आपको बाय डिफॉल्ट चाहिए ही चाहिए। कुछ ऐसे टैग्स जैसे कि यूट्यूब टिप्स एंड ट्रिक्स, जैसे मैंने यहां पर लिखा था हाउ टू इंक्रीज व्यूज ऑन यूट्यूब। तो मेरे चैनल का जो मेन मोटिव अभी चल रहा है वो है कि व्यूज कैसे बढ़ाने हैं यूट्यूब के। तो ये एक डिफॉल्ट टैग हो सकता है ताकि जब भी कभी आप वीडियो को अपलोड करते हैं तो आपको बार बार वही टैग्स ना लिखने पड़े, उससे इरिटेशन भी होती है, टाइम वेस्ट भी होता है। डिस्क्रिप्शन के अंदर बाय डिफॉल्ट क्या हो सकता है, आपका यूट्यूब पेज, आपका फेसबुक का पेज, आपका गूगल प्लस पेज, आपका स्नैपचैट, व्हाट्सएप, जो आप बाय डिफॉल्ट लिंक्स रखना चाहें, कुछ ब्लॉग का लिंक, वेबसाइट का लिंक, तो वो बाय डिफॉल्ट इसमें डिस्क्रिप्शन में एक बार लिख दीजिए। तो बार बार जब भी कभी आप अपनी वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको उन लिंक्स को दोबारा दोबारा कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ेगा या नहीं लिखना पड़ेगा। और कभी कभी भूल भी जाते हैं तो उन केसेस में भी डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखा हुआ बाय डिफॉल्ट आपके काम आएगा। तो अपलोड डिफॉल्ट जो ट्रिक है उसको जरूर यूज कीजिए।
बहुत अच्छी ट्रिक है। आई होप आपको ये सारी ट्रिक्स बहुत पसंद आई होंगी। आपको कैसी लगी तो प्लीज आप कमेंट बॉक्सेस में जरूर लिखिएगा इनके बारे में। रियली में दोस्तों इन 5 ट्रिक्स को यूज कीजिए, मजा आएगा यूट्यूब यूज करने में और व्यूज, सब्सक्राइबर्स एंड रेवेन्यू सब चीजें इससे इंक्रीज होंगी। ये वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद और ये दोनों वीडियोस को प्लीज जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस सर्कल पर क्लिक कीजिए और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप YouTube के ऐसे ही मजेदार टिप्स ट्रिक्स एंड विद प्रूफ जो इसके रिजल्ट्स हैं YouTube अर्निंग के उनको देखना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।